राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भी जितनी भी गौ माता अपने पास हैं, सभी की वीडियो पूरी डिटेल के साथ एक एक करके तो मैंने सभी दिखाई हैं आपको। और 3:30 बजे शाम को ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गायें जाएंगी भाई, और वो सामने अपने गाड़ी भी खड़ी है, और वहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी, तो वो भी आपको मैं पूरी वीडियो देखना, उसमें पूरी डिटेल के साथ बताएंगे भाई। सबसे पहले आपने नंदी महाराज के दर्शन करो, किसी की तैयारी भाई पकड़ी है नंदी महाराज ने पहले जैसी या नहीं, ज़रूर बताया करो कमेंट में कोई कमी लगे तो। दूसरे नंबर पे सरस्वती भाई, खोलिए मुना, खोल कर चला एक भाई। आप थन बिल्कुल ठीक है भाई, 3 दिन इंजेक्शन लगे और थनों में दवाई चढ़वानी पड़ी डॉक्टर से, और साथ में हमने थन फ्रेश और आंवला पाउडर जो विक्की पंसारी भाई का है वो भी चालू कराया हुआ है। ये देखें भाई, हमारी लीजेंड सरस्वती 9वीं बार अब की बार बच्चे को जन्म देगी। आज 19 तारीख है, 20 तारीख को, कल 20 जनवरी को पूरे 9 महीने हो जाएंगे कंप्लीट। बांधे अड़े बांधे अड़े, ये देखें भाई, थोड़ा थोड़ा आंचल जो है, हल्का हल्का आंचल भी खोलने लगी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि और ये आप स्पष्ट देख सकते हो। ये देखें भाई, जो बछड़ी ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि बछड़ी की उम्मीद है। देखें बछड़ी अपनी माँ के गर्भ में उछल कूद कर रही है अंदर। ये देखें, हाथ ना लाओ, छोड़ दे तू, छोड़ दे। ये देखें भाई, अब नीचे हो गई है, और अब ये फिर देखें भाई, पेट को आप अलग दिखाई देता होगा आपको बछड़ू उछलते हुए। उससे आगे खोल, जो हमारी सरस्वती 2 है, ये भाई नितेश भाई के पास जा रही है। दोनों टाइम 19.25 किलो दूध हुआ है इसका, दोनों टाइम भाई ने देखा है दूध अपने पास आके। ये देखिए, अभी तो टाइम में 1.5-2 घंटा और पड़ा है दूध निकालने में, भरी भराई जाएंगे भाई। मेरी पूरी की पूरी मिल्किंग दिखाने की कोशिश थी, मिल्किंग क्यों नहीं दिखाई गई उसका कारण भी नितेश भाई हैं। वो मैं जब उनके पास अब पहुँचूँगा गायें को लेके, दोनों को पूरी डिटेल इस बात की लेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने जितनी भी गायें खरीदी हैं लगभग 18 से प्लस की सारी गायें उनके पास गई हैं भाई, और आज तक एक भी गायें की मिल्किंग उन्होंने क्यों नहीं दिखाने दी, ये भी उनसे सवाल जवाब करेंगे वहाँ चल के। तो लास्ट में जो पोर्शन होगा वीडियो का, आखिरी की 5-6 मिनट का, वो नितेश भाई का इंटरव्यू होगा, उनकी वार्तालाप और मेरी होंगी, वो भी आप ज़रूर देखें। खोली स्नोर, और हरियाणा की पहली बछिया कहूँगा भाई मैं, जो 4 दांत के अंदर 16-16.5 किलो दूध अब मौजूद है, और हाल में मेला लगी हुई है भाई, 4 दांत के अंदर बछिया है। आज तक रिकॉर्ड है हरियाणा ब्रीड के अंदर भाई, कोई भी भाई मेरा शामी आ जियो या तोल के दिखा दियो भाई, और जिसने भी तोलनी हो, 2 टाइम तो मैंने इसकी 10 दिन की बही थी, जब 15-15.5 इसका दिखाया ही था आपको। ये देखिए बछिया फुल लंबे कदकाठी के साथ, ये देखें, ये भी नितेश भाई के पास जा रही है, बांध दे। और इसकी ये बछिया है भाई, जो फर्स्ट टाइमर है, इसकी ये बछिया छोटी, ये किस सीमन की है, किस बुल की है, वो मेरे को कोई डिटेल का इसका पता नहीं, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। 4 दांत के अंदर इतना दूध नहीं मिलेगा भाई, आगे मेरे को भी नहीं मिलेगा, पर मेरी चलो भाई देनी पड़ जाती हैं। सबसे मेन बात, नितेश भाई को मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि सभी की सभी गायें एक ही जगह रहती हैं, जितनी अच्छी दूध वाली हैं, आज के दिन ये भी सच्चाई है भाई। ऑल ओवर इंडिया में घूम लो, हरियाणा में तो छोड़ो, अगर एक ही फार्म पे आपको 25-30 की संख्या में हरियाणा गोवंश 18-20 किलो का कहीं भी नहीं मिलेगा भाई, एक ही जगह पे जो नितेश भाई के पास हैं। और आगे अपनी भाई शरारती चंचल काशी, ये देखें भाई,
चले काशी, चल 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 हट नो। ये काशी है भाई अपनी, काशी का दूध बहुत है भाई, पर मिल्किंग में कैसे दिखाऊं भाई, शरारत बहुत कर रही है। मान लो एक आधा 100 शरारत कर रही थी तो 50% अब टिकी है, कुछ और कोशिश करेंगे थोड़ी सी और सेट हो जाए। अब पेटी लगा कर फिर न्याणा लगाते हैं ना, जब शरारत नहीं करती तो धीरे धीरे और कोशिश करेंगे। चाहे मैंने इसकी भाई पेटी में दूध दिखाना पड़ी हो, ज़रूर दिखावाएंगे इसका दूध, चाहे कितना ही भी हुई हो, दूध पर बहुत बढ़िया चल रही है बछिया। मेरी उम्मीद तो 12 किलो की थी कि ये 12 दे देगी, मैंने शांति है, पर दूध भाई बहुत बढ़िया है बछिया में। और ये दूध निकलने से दो दो घंटे डेढ़ घंटा पहले की वीडियो है भाई, ये आप मोरनी को देख सकते हो, काशी की बछिया मोरनी। ये अपनी माँ की तरह ही लंबे तगड़े शरीर के साथ बछिया, ये मोरनी है मात्रश्याम गांव में, जो नंदी महाराज है चार दांत, ये किरमारा गौशाला से वो नंदी महाराज को लेके आया गया नस्ल संवर्धन के लिए मात्रश्याम गांव में, जिला हिसार। उस नंदी महाराज का रिजल्ट आप कैमरे के सामने देख सकते हो। आगे फिर ये बछड़ा रुद्रनाथ नंदी महाराज का और सरस्वती टू का, इसके सारे बाल उठ गए थे भाई, पर अब आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देखें अब इसके बाल वापिस आ गए हैं सिर पे जो हैं, देखो एलर्जी का टिक्का लगवाना पड़ा, ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल बाल अब दोबारा आ गए हैं। और हम्प की पोजीशनिंग और लेंथ की बात करें इसकी, अगर मुंह से लेके पूंछ तक की तो 5 फीट नहीं तो 4.5 फीट के करीबन करीबन ये बछड़ा अब होगा भाई। लंबाई की बात करें तो ये अपनी सरस्वती टू का है, ये देखें मुन्ना भाई को भी आप देख सकते हो, क्योंकि दूध निकालने से पहले डेली हम खुर्रा मारते हैं भाई, सुबह भी और शाम को भी। मुन्ना ना भाई आज बाल काले कराए हैं मुन्ना कल घर पर जा रहा है, पूरे 11 महीने में, 11 महीने बाद 8 मार्च को वापिस आया था, तो 11 ही महीने हो गए शायद, हो जाएंगे अब इतने दिन में। मुन्ना अपने घर जा रहा है कल 15 दिन के लिए, तो आज इसने बाल काले कराए हैं भाई, बुढ़ापा में जवानी दिखाई है मुन्ना ने और फिर अपनी भाई गोमती गौ माता, गोमती अपने नाम को पूरा करती हुई गोमती, गोमती हाँ भाई, बड़ी ही सुशील बड़ी शांत स्वभाव की गौ माता है भाई। और हम्प देखें आप गोमती का भाई, विशाल काय हम्प के साथ, विशाल काय रियलिटी में विशाल काय हम्प है इस गौ माता का भी, और लेंथ बहुत है। और इधर काशी, इसका नाम हमने कोई कराया ही नहीं था पहले मातवाली का, और सरस्वती टू, फिर सरस्वती। मैं आपको भाई प्राइस भी बताऊंगा, नितेश भाई पे ही पूछेंगे कितने की उन्होंने खरीदी हैं। और अब आपको दिखाते हैं अंदर का हाल, ये देखें साफ सफाई सबसे मेन ज़रूरी पहला एजेंडा हमारा साफ सफाई का रहता है भाई साहब, ये देखें आप साफ सफाई, मुन्ना साफ सफाई बहुत ही करता है भाई, घोड़ा गोबर करकट कुछ नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप रात को 1 बजे आगे देख लियो, ये देखें। और इधर फिर जगन्नाथ, पता नहीं भाई किस पंचायत के भाग्य में है ये, किस गांव का ये राजा बनेगा, अभी से पहले आप हम देख सकते हैं भाई, मात्र 5.5 महीने की एज में ये इतना बड़ा हम शायद ही आपको किसी नंदी में देखने को मिलेगा, छोटे बछड़े में। ये गोमती का है, और गोमती अब फिर दोबारा रुद्रनाथ से ही प्रेग्नेंट है भाई, चेक पास हमने करा दी है। और ये गौशाला वाली बछड़ी अपनी छोटी, हाँ भाई नूनो, नीचे से ये ऐसी है भाई जुगर, तो ये देखें भाई आप नीचे से इसका पोजीशनिंग जो देखेंगे थनों का, ये देखें आप, ये देखें भाई, बहुत मोटे मोटे मजबूत थन इस बछिया ने अभी से पहले बनाए हुए हैं।
छोटी को भी भाई अब देंगे, जो भाई छोटी को रखने के अच्छी को, इसमें अब जो करेक्टर उभर के आ रहे हैं सामने आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, मोस्टली थार के करेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं, प्योर थार नहीं है। मान लो भी आप 60-70% थार मान लो, कुछ अंश थोड़ा हरियाणा का हो, या अब तो थोड़े दिन बाद और करेक्टर उभर के सामने आए, क्योंकि गलकम्बल बहुत भारी हो गया बछिया का, नीचे नाभ भी है जो वो फुल हो गई है, और थनों की जो पोजिशनिंग है वो तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये आप देख सकते हो। अब से पहले जैसे क्या बन बछिया की गादी होती है ना, उस तरह इसकी बछिया की गादी है अभी। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना आगे, और थोड़ी वीडियो लंबी होगी आज, क्योंकि 4-5 मिनट नितेश भाई से भी ये पूछेंगे क्यों वो ऐसा करते हैं मेरे साथ, भी गायें ले लेते हैं और फिर मेरे को मिल्किंग का टाइम जब होता है मिल्किंग नहीं करने देते गायें की। वो तो चलो खारकी की तो मैं 2 टाइम पहले ही दिखा चुका, एक ट्रायल के तौर पर, नहीं तो भाई आप जैसे भाई ही कह देते हैं भाई दूध नहीं है इसलिए मिल्किंग नहीं दिखाई। तो भाई अब ये देखें सरस्वती 2 और जो फर्स्ट टाइमर बछड़ी है वो दोनों अब गाड़ी में लोड कर दी गई हैं, और टाइमिंग 4/15/19 थर्सडे। अब जाके नितेश भाई पर जो सवाल करने हैं आज भी वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि सरस्वती 2 की तो कोई बात नहीं, पर इस बछिया के लिए मेरा मिल्किंग का मेरे मन में बड़ा दुख है भाई, क्योंकि अडर आप देख सकते हैं, आपसे पहले अडर देखें आप गौ माता का। चलो कम से कम हमने ये भी खुशी है भाई हमारे हाथ से इतने दूध की हरियाणा गोवंश जो पहले ही मैं 17 किलो 16-17 किलो दूध निकाल रही है वो हमारे हाथ से जारी है भाई।